मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रहा हूं। तुम्हें मालूम नहीं ड्रामा ठीक 9 बजे खेला जाने वाला है। केवल मुझे मालूम है, लेकिन लेकिन क्या? मैं नहीं चल सकूंगी। मैं चल ही नहीं सकती। चल नहीं सकती? क्यों? तुम्हारे बगैर शकुंतला कैसे खेला जाएगा? वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए होंगे। मैं मजबूर हूं केवल। ये क्या मजाक है निर्मला? मजाक भी वक्त का अच्छा मालूम होता है। ये मजाक नहीं केवल, मैं ठीक कह रही हूं। मैं आज शकुंतला नहीं खेल सकती। लेकिन क्यों? तुम 2 दिन पहले भी तो मुझे कह सकती थी। कैसे कहती? मुझे ही क्या मालूम था। लेकिन हुआ क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। इन हाथों की मेहंदी देख रहे हो, मेरी मंगनी हो गई है, परसों ब्याह है। तुम्हारी मंगनी? कब? आज ही। मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन माता जी और पिताजी उन्होंने जबरदस्ती वो इस हफ्ते विलायत जा रही हैं। कौन? तुम्हारे दूल्हा? हाँ, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी केवल। मैं मजबूर थी, मेरे हाथ बंधे हुए थे और होंठ सिले हुए। केवल तुम नाराज हो मुझसे। तुमसे नाराज होकर क्या करूंगा निर्मला, मेरे भाग्य ही ऐसे हैं। मेरे आशियाने में थे 4 दिन के चमन, लुट के आंधियां आते आते। केवल जाने से पहले कुछ मांगू तुमसे? कहो। मंजूर है? कहो निर्मला। एक बार मुझे निम्मी कहकर पुकारो, सिर्फ एक बार। निम्मी, निम्मी तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी दुनिया हमेशा मुस्कुराहटों और गीतों से आबाद रहे, दुखों की परछाई भी न पड़े तुम्हारे संसार पर। तुम जहां रहो खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी की हर रात पूर्णमासी की रात हो, अमावस का अंधेरा तुम कभी ना देखो, तुम सदा सुखी रहो। मम्मी